हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे पास एक एलजी का जो प्लाज्मा है वो आया है, जिसमें कि जो फॉल्ट है मैं आपको दिखाता हूँ। पावर ऑन करेंगे तो लाइट 2 से 3 बार ब्लिंक होके वापस रेड लाइट में आ रहा है। और इसका जो मॉडल नंबर है मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका जो मॉडल नंबर है वो 42 PN 400 मॉडल है इसका। और इसका अभी मैंने बैक कवर रिमूव कर रखा है, तो रिमूव करने के बाद इसका जो दिखेगा वो इस टाइप का दिखेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसका पावर सप्लाई है, ये इसका कंट्रोल बोर्ड है, जिसको कुछ टेक्नीशियन टीकॉन बोर्ड बोलते हैं, बट ये रियल में इसका कंट्रोल बोर्ड है, टीकॉन बोर्ड नहीं है। और ये इसका मदरबोर्ड है, ये इसका जेड बोर्ड, और ये इसका वाई बोर्ड और बफर बोर्ड। अब इसमें क्या फॉल्ट है वो मैं आपको दिखाता हूँ, हम इसको चेक करेंगे। सबसे पहले चेक करने का जो मेथड है, सबसे पहले कि इसका हम वो चेक करेंगे कि जो हमारे वोल्टेज हैं वो बन रहे हैं या नहीं। हम इसको डीसी के रेंज में रखेंगे और एक पॉइंट उसका पॉजिटिव नेगेटिव का जो पॉइंट है उसको ग्राउंड कर देंगे। और जो सबसे पहले हम इसकी VA VS वोल्टेज चेक करेंगे, वो बन रहे हैं नहीं बन रहे। जैसे कि आप देख रहे हो कोई वोल्टेज नहीं बने। और हम अब इसकी क्या करेंगे, इसका जो मदरबोर्ड का कनेक्टर है वो हम रिमूव कर देंगे। उसके बाद हम इसको चेक करेंगे कि VA VS वोल्टेज बन रहे हैं या नहीं बन रहे। ये देखिए, नो VA VS वोल्टेज बनने की कोशिश कर रहे हैं बट वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। तो उसके बाद हमारे जो वोल्टेज पावर सप्लाई से जेड बोर्ड में जा रहे हैं, तो हम सबसे पहले पावर सप्लाई को जेड बोर्ड से डिस्कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद उसके VA और VS वोल्टेज चेक करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो हमारे 205 वोल्टेज जो बन रहे हैं, और इसका मतलब हमारी जो पावर सप्लाई के जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहे थे वो आगे किसी बोर्ड में कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से जो वोल्टेज है वो ड्रॉप हो रहे थे। हम इसको अभी चेक करेंगे। सबसे पहले तो हम पावर निकाल देंगे, उसके बाद हम इसको बजर की रेंज में रखेंगे और इसका एक पॉइंट ग्राउंड करेंगे और एक पॉइंट VA VS वाले पॉइंट पे रखेंगे। और आपको नज़र आ रहा होगा कि जो बीप की आवाज़ आ रही है। उसके बाद हम जो जेड बोर्ड से वाई बोर्ड में जो सप्लाई आ रही है उसको भी डिस्कनेक्ट करेंगे कि चेक करेंगे वापस से। अभी देखिए, अभी भी बीप आ रही है, इसका मतलब हमारा जो ये बोर्ड है वो जो इसके IGBT वगैरह हैं या फिर कोई और कंपोनेंट है वो ख़राब है, जिसकी वजह से इसकी जो सप्लाई ड्रॉप हो रही है। अभी हम इसको आगे भी चेक कर लेते हैं, इसका कोई कंपोनेंट कोई शॉर्ट तो नहीं है या फिर ख़राब तो नहीं है। हम इसको चेक करेंगे, ये हमारे जो आगे के फ्रंट 7N62 MOSFET हैं वो बिल्कुल ओके हैं। उसके बाद एक डायोड लगा हुआ है और इसके बाद एक F4 30F 124 लगा हुआ है, वो भी बिल्कुल ओके है। और उसके बाद ये चेक करेंगे, ये भी दिखा रहा ओके। बट अब हम इसको क्या करेंगे कि हमारा जो ये बोर्ड है हम इसको रिमूव करके चेक करेंगे कि इसकी जो शॉर्टिंग है उसमें क्या क्या खराबी है। सबसे पहले जेड बोर्ड, अभी हम इसको
इसका वाई बोर्ड भी डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको चेक करेंगे क्योंकि जेड बोर्ड उड़ने के कारण दो ही हो सकते हैं, या तो आपका वाई बोर्ड में कोई ना कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से खराब हुआ है, या आपकी डिस्प्ले खराब है या स्पार्क है उसकी वजह से ही जेड बोर्ड खराब होता है। अभी हम इसको चेक करेंगे भी क्यों खराबी हुई है। ये देखिए इसका जो वाई बोर्ड है और ये इसका जेड बोर्ड, हम इसको भी चेक करेंगे बीप की रेंज में। सबसे पहले हम इसके चेक करेंगे ये ऊपर के IGBT शॉर्ट नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ऐसे ही जब हम यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ पे बीप की आवाज़ आएगी, और ये भी, ये देखो ये भी डायरेक्ट दिखा रहा है शॉर्ट, बट ये इसकी वजह से ही ख़राब दिखा रहा है। और इसके साथ में भी एक मॉस्फेट है, इसमें हमारे ये दो मॉस्फेट ख़राब मिलेंगे जिसका जो नंबर है मैं आपको दिखा देता हूँ, RGP 30H2A, ये जो नंबर है दो मॉस्फेटों के जो नंबर है RGP 30H2A, ये दो ख़राब हैं। उसके बाद हम ये चेक करेंगे, ये जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि इसमें किसी ने ये जो IGBT हैं वो चेंज करे हुए हैं, तो हम इसको फर्स्ट पहले तो हम इसी को चेक कर लेंगे ये ओके है या नहीं। ये बिल्कुल ओके दिखा रहा है, उसके बाद वो जो आगे के 760 मॉस्फेट लगे हुए हैं उसको भी चेक कर लेंगे, ये भी किसी ने डाल रखे हैं, देखो सोल्डरिंग हो रखे हैं पॉइंट, और आगे से भी जो स्क्रू है वो भी, ये भी बिल्कुल ओके हैं, ये डायोड है देखिए डायोड शॉर्ट बता रहा है, ये क्यों शॉर्ट बता रहा है हम ये भी चेक करेंगे। ये देखो 30F 124 इसका जो ख़राब है फ्रंट वाली हीट सिंक में, इसमें जो ये 30F 124 है ये आगे का मॉस्फेट है यहाँ पे हीट सिंक के पीछे सॉरी कॉयल के पीछे में, तो ये ख़राब है। हम इसको भी पहले तो इसके जो क्लियर कर लेंगे कि डायोड ख़राब है या फिर मॉस्फेट, ज़्यादातर इसमें ये 30F 124 जो मॉस्फेट है यही ख़राब होता है, और ये टेक्नीशियन ने चेंज करे हुए हैं मॉस्फेट, तो हम इसको भी जो हमारे जेन्युइन नंबर हैं हम उसी को लगाएंगे। अभी उसने क्या नंबर लगाया वो भी देख के बता देता हूँ आपको, इसमें भी RGP 30H2A ही लगे हुए हैं, और इस साइड में 63K2 और यहाँ भी 63K2 है, तो हम ये सब ओरिजिनल मॉस्फेट हैं जो वो लगा देंगे जो ओरिजिनल नंबर हैं इनके, और ये जो 760 हैं एक चेंज हुआ हुआ है ये भी हम चेंज कर देंगे, और जो इनमें से डायोड और मॉस्फेट दोनों में से जो भी कंपोनेंट है में शॉर्टिंग है वो हम रिमूव करेंगे और उसकी जगह नया डालेंगे। चलो हम अभी इसको दिखाते हैं भी कैसे इसको रिपेयर करेंगे। अभी जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमने जो कंपोनेंट है वो सारे हमने रिमूव कर लिए, ये किसी ने दो मॉस्फेट और ये दो मॉस्फेट चेंज करे थे वो हमने निकाल दिए, क्योंकि मैं जब भी रिपेयर करता हूँ तो मैं अपने ही सारे कंपोनेंट जो मैं यूज़ करता हूँ रेगुलरली वही लगा के रिपेयर करता हूँ, और दो ये हमारे जो 30H2 है जो ख़राब थे वो हमने वो निकाल दिए, वो 30H दो पीस ये रहे, और यहाँ के दो जो 30H है वो ये रहे, और यहाँ दो पीस लगे थे 63K2 वो ये हमने ये रख दिए,
और जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे 30F 124 था, वो हमने जो ये ख़राब है वो हमने निकाल दिया है। और ये हमने उससे पहले जो कॉयल थी वो हमने रिमूव कर ली थी यहाँ से, और अब हम सारे कंपोनेंट लगाएंगे, और लगाते टाइम आपको वीडियो दिखा भी देता हूँ। ये मैंने जो कंपोनेंट निकाले हैं, 4 पीस 30H और 2 पीस 63K2। ये जो पीस है वो 2 पीस 30H वाले यहाँ पे लगाएंगे, और एक दो इसमें लगाएंगे, और 63K2 यहाँ पे लगाएं, दो मैंने अलग रखे हुए हैं। और यहाँ पे 30F लगाएंगे, वो भी निकाला नहीं है मैंने, वो भी निकाल के लगा देंगे हम। तो वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं। ये स्टेप करने में वीडियो थोड़ा लंबा आ जाएगा, बट आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, इसमें कि आपको कोई और फॉल्ट है वो भी साथ साथ मैं बताता रहूँगा कि कौन कौन से फॉल्ट आते हैं। मार्केट में जो कंपोनेंट आ रहे हैं वो ओरिजिनल नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से जो प्लाज्मा है बनाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। मैं आपको ये जो जितने भी पार्ट्स हैं इसके वो आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। और बाई चांस आपसे कोई प्लाज्मा का बोर्ड रिपेयर नहीं हो रहा है तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए। आप उसको कोरियर लगवाना चाहते हो तो कोरियर लगवा के दीजिए, मैं आपको वो 2 से 3 दिन के अंदर उसको वापस रिपेयर करके रिटर्न करने की कोशिश करूँगा। मेरे पास ऑलरेडी आ भी रहे हैं।
कुछ टेक्नीशियनों के बोर्ड, और अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था ये मॉसफेट, और ये मॉसफेट मैंने चेंज कर दिए हैं और जेड बोर्ड के भी चेंज कर दिए हैं। हम अब इसको वापस लगाएंगे क्योंकि तो शॉर्टिंग ऑलरेडी हमने चेक करके ये कंपोनेंट लगाए हैं, तो हम इसको इसके भी हमने कंपोनेंट चेंज कर दिए थे, और इसको भी वापस से हम यहाँ पे लगाएंगे। और प्लाज्मा के जितने भी मैंने आपको अभी तक जितनी भी वीडियो डाली, आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है प्लाज्मा की वीडियो पे। ये अभी जो वीडियो मैं बना रहा हूँ तो आप उस पर भी जो रिस्पांस है बहुत अच्छा मिलेगा, तो उसका आप मेरे को जो रिव्यू है वो आप मेरे को लाइक करके बता सकते हैं कि वीडियो कैसी रही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसका जो मान लो ये मदरबोर्ड आपका ख़राब है, और आपको ये क्लियर करना है कि आपकी जो पीडीपी है और ये वाई बोर्ड और जेड बोर्ड है वो आपके ओके हैं, तो आप उसके लिए किस तरीके से इसको आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो ये बोर्ड है वो ओके है या नहीं। अभी मैं आपको ये सारे जो जितने भी कंपोनेंट थे मैंने लगा के बोर्ड इंस्टॉल कर दिया वापस। अब इसको हम पावर देंगे। ये अभी हम इसको पावर कोड लगाएंगे। पावर कोड लगाने के बाद जो कंट्रोल बोर्ड में जो इंडिकेटर है वो ब्लिंकिंग चालू हो चुकी है, और इसकी जो भी पिक्चर है मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये देखिए पिक्चर भी बिल्कुल ओके आ रही है इसकी। और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।